अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अमूमन हमारे सूट की साइडों से जो कपड़ा बच जाता है या शलवार ट्राउज़र की लेंथ से जो कपड़ा बचता है, तो हम उन बचे हुए कपड़ों से अपने बच्चों के ड्रेस कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इन बचे हुए पीसों से 8 साल की बच्ची के लिए कुर्ती बनाना सिखाऊँगी। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से पीस बचे हुए हैं। ये शलवार की लेंथ से बचा हुआ पीस है और ये शलवार की साइड की कटिंग से बचे हुए 2 पीस हैं और ये शर्ट की बैक साइड से बचा हुआ पीस है और ये वाले 2 पीस शर्ट के फ्रंट साइड से बचे हुए हैं। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों पीसों को आपस में इस तरह जोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से जोड़ते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, फैब्रिक को सिलाई लगाते हुए हमने जोड़ लिया है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए इसकी उरेब निकालेंगे और यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब हम इस कपड़े की सेंटर में से कटिंग करेंगे। ये देखिए, साइड की कलियों को जोड़ते हुए शर्ट की लेंथ कंप्लीट करने के लिए यहाँ हमने बॉर्डर सिलाई के साथ फिक्स कर लिया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। फ्रंट के लिए सबसे पहले हम इस कपड़े को सीधा करेंगे। व्यूअर्स, फ्रंट की लेंथ कंप्लीट करने के लिए हम ये बॉर्डर लगाएंगे। इसके बाद हम इस फैब्रिक का भी साइज करते हुए यहाँ से कट कर लेंगे और इसके सेंटर में से भी कट कर लेंगे। देखें, ये इसके किनारे वाली साइड है, इसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे, इसको सिंगल फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगाएंगे इन दोनों पार्ट्स को। उसके बाद हम इन दोनों कलियों को आपस में जोड़ेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये इस फैब्रिक को हमने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है और साथ ही ये बॉर्डर भी अटैच कर लिया है और ये कलियाँ भी अटैच कर ली हैं। अब हम इस सेंटर को आपस में मिलाते हुए यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें, यहाँ सेंटर में सिलाई लगाते हुए 6.5 इंच की दूरी पर हमने सिलाई को रोक लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और शर्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक को इस तरह फोल्ड करते हुए रखेंगे। कपड़ा हमारा फोल्डिंग में है, तीरा हमने 11 इंच तैयार करना है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ गोल शेप देंगे। चेस्ट हमने 14 इंच पर तैयार करनी है। इंची टेप को यहाँ रखते हुए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इंची टेप को यहाँ रखते हुए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिटिंग के लिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ सिलाई का मार्जिन रखते हुए इंची टेप को रखेंगे और यहाँ 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप्स के लिए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये बैन वाली कुर्ती तैयार करनी है, इसलिए यहाँ से तिरछी कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ से सिलाई का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। ये हमने गोल घेर वाली कुर्ती तैयार करनी है। इंची टेप को यहाँ 2.5 इंच की दूरी पर रखते हुए हम निशान लगाएंगे और यहाँ राउंड शेप देंगे। व्यूअर्स, कुर्ती की लेंथ हमने 31 इंच तैयार करनी है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए 31.5 इंच पर हमने इसको कट कर लिया है। यहाँ हम 14 इंच पर कट लगाएंगे और यहाँ चाक के लिए भी हम कट लगाएंगे। फ्रंट के आर्म होल की हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। 1 इंच की दूरी पर रखते हुए हम यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। गले की कटिंग के लिए इंची टेप को यहाँ रखेंगे और 2.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे और गहराई के लिए इंची टेप को यहाँ रखते हुए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे और यहाँ से राउंड शेप देते हुए बैन के लिए गले की कटिंग करेंगे।
जितना गला हमें ओपन करना है यहाँ से हम खोल लेंगे। इसके बाद हम बाजों की कटिंग करेंगे। मेरे पास ये इस तरह से प्लेन फैब्रिक बचा हुआ था जिससे हम बाजू तैयार करेंगे। इंची टेप को यहाँ 3 इंच की दूरी पर रखते हुए हम निशान लगाएंगे। बाजू हम चुनट वाली तैयार करेंगे और यहाँ कट लगा लेंगे। फ्रंट के आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ये 2 लेयर उठाते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम बैन कटिंग करेंगे। बैन के लिए हम लट्ठा बुकरम यूज़ करेंगे। इसकी लेंथ हमने 12.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 4.25 इंच रखी है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम इस तरह निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। 4.25 इंच की दूरी पर हम फिर से कटिंग करेंगे। बैन फिक्स करते हुए हम इसका साइज करेंगे। यहाँ से अब हम इस तरह निशान लगाएंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले इन दोनों शोल्डर को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये शोल्डर की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम फिटिंग का साइज करते हुए निशान लगाएंगे। फिटिंग हमने 13 इंच रखनी है। इंची टेप को यहाँ सेंटर में रखते हुए हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप्स का साइज हमने 15 इंच पर रखना है। इंची टेप को 7.5 इंच में रखते हुए हम यहाँ निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे। मैंने ये चाक का साइज ज़्यादा रखना है, आप जितना चाहें रख सकते हैं। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये फिटिंग की हमने सिलाई लगा ली है। अब हम घेर और चाक मोड़ेंगे। अब हम यहाँ से हल्का हल्का कपड़ा अंदर को फोल्ड करते हुए राउंड में सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम घेर और चाक को फोल्ड कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने घेर चाक को फोल्ड कर लिया है और ये 3 गज हमने लैस ली है। ये ओपन शर्ट में लगाते हुए हम घेर और चाकों में लगाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने लैस लगा ली है। अब हम बाजू पर चुनट देते हुए उस पर पाइपिंग करेंगे। ये चुनट आप धागे से भी दे सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरे बाजू की चुनट देंगे। बाजू की पाइपिंग के लिए 1.5 इंच की चौड़ाई पर ये स्ट्रिप की कटिंग की है। इस स्ट्रिप को नीचे रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये स्ट्रिप हमने लगा ली है। ये बाजू की सीधी साइड है। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखें इस तरह फोल्ड करते हुए। और यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये दोनों बाजों पर हमने पाइपिंग कर ली है। अब हम यहाँ से सिलाई करेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। बाजू के फ्रंट पर भी हमने एक्स्ट्रा कटिंग की थी और शर्ट के आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग की थी। अब इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये देखें, ये दोनों फ्रंट पार्ट को आपस में मिलाना है। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और शर्ट के सिलाई वाले हिस्से को इस तरह फोल्ड करते हुए हम ये सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखें, बाजू के सेंटर में हमने कट लगाया था। इस शोल्डर के सेंटर और बाजू के सेंटर को आपस में मिलाना है। जो ओवर कपड़ा होगा हम यहाँ हल्की हल्की चुनट देंगे। इस तरह बाजू स्टिच करने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। शोल्डर की सिलाई को इस तरह खोलते हुए ये सिलाई लगाएंगे। हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम चुनट देंगे। ये देखें, अब हम सेम इसी तरीके से दूसरा बाजू स्टिच करेंगे।
ये दोनों बाजू हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हम बैन के लिए बैक के गले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए ये देखें आधे इंच की दूरी पर ये निशान लगाएंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखें ये जो बैन की ज़्यादा गुलाई वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ होगा और ये वाला हिस्सा हम शर्ट पर फिक्स करेंगे। तो पहले हम इसका साइज़ करेंगे, एक पाँव का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से साइज़ करेंगे। जहाँ पर ये हमारी शर्ट का गला है बुकरम को इस तरह फोल्ड करते हुए हम निशान लगा लेंगे और फिर से इस तरह निशान लगाएंगे। और अब हम इस एक्स्ट्रा बैंड की कटिंग कर लेंगे। अब हम बचे हुए पीसों को इस तरह जोड़ते हुए बैंड चिपकाएंगे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये देखें अब हम यहाँ से बराबर मार्जिन रखते हुए कपड़ा कट कर लेंगे। अब इस ऊपर वाले कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए हम सुई के साथ कच्चा करेंगे। ये हमने कच्चा कर लिया है। अब हम यहाँ से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है, ये देखें यहाँ से स्टार्ट करते हुए अब हम यहाँ दरमियान में कट लगाएंगे। अब हम आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करते हुए इसका सेंटर करेंगे। और शर्ट का भी सेंटर करते हुए यहाँ कट लगाएंगे। ये बुकरम वाला हिस्सा ऊपर रखते हुए इन दोनों कट्स को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हाफ सिलाई हमने लगा ली है। अब हाफ सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ राउंड में कट लगाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ राउंड में सिलाई लगाएंगे और बैन को फिक्स कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये बैन की सिलाई लगाते हुए हमने इसे फिक्स कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत हमारी ये शर्ट तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरह के बचे हुए पीसों से अपने बच्चों के कुर्तियाँ और फ्रॉक्स बना सकते हैं। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।